बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास भी प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, जब आपको कोई कॉल करता है तो उसका नोटिफिकेशन जो है आपके मोबाइल की होम स्क्रीन पर शो नहीं हो रहा है, लेकिन दोस्तों कॉल कटने के बाद उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। तो दोस्तों अगर आप भी इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों सिर्फ और सिर्फ वीडियो आपके लिए है। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं मात्र एक मिनट में। तो दोस्तों चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आज की वीडियो में आपको कि कैसे आप इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको दो या तीन तरीके बताऊंगा जिससे आपकी जो प्रॉब्लम है 100% सॉल्व हो जाएगी। तो सबसे पहले तो आपको अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ऐप मैनेजमेंट का। हो सकता है दोस्तों आपके फ़ोन में एप्लीकेशन एंड परमिशन या फिर ऐप से रिलेटेड कोई भी ऑप्शन आपको मिलता है तो आपको क्लिक कर लेना है, क्योंकि दोस्तों मेरे पास ऐप मैनेजमेंट का ऑप्शन है। तो हर फोन की अलग अलग सेटिंग होती है, आपको ढूंढ लेना है। तो मैं यहाँ पर ऐप मैनेजमेंट पर क्लिक कर देता हूँ। तो ऐप मैनेजमेंट पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर सबसे ऊपर में एक ऑप्शन मिलता है ऐप लिस्ट का, आप देख सकते हैं। तो आपको ऐप लिस्ट पर क्लिक करना है। तो चलिए ऐप लिस्ट पर क्लिक करते हैं। उसके बाद दोस्तों जितने भी आपके फ़ोन में इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन है वो सब आपके सामने आ जाएंगी। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ढूंढना है फ़ोन मैनेजर को, ठीक है। तो फ़ोन मैनेजर को आपको ढूंढ लेना है। अगर दोस्तों आपको ऐसे फ़ोन मैनेजर नहीं मिलता है तो ऊपर आपको सर्च बार का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सर्च करके भी ढूंढ सकते हैं। तो सर्च पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है फ़ोन ही खाली टाइप करना है। उसके बाद आपके सामने फ़ोन मैनेजर आ जाएगा, आप देख सकते हैं फ़ोन मैनेजर आ चुका है। तो उसके बाद आपको फ़ोन मैनेजर पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो फ़ोन मैनेजर पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आपको उसका फोर स्टॉप कर देना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको फोर स्टॉप का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो सिंपली आपको फोर स्टॉप पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप फोर स्टॉप पर क्लिक करेंगे तो आपको एक बार फिर से फोर स्टॉप पर क्लिक कर देना है। फोर स्टॉप पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा मैनेज नोटिफिकेशन, ठीक है। आप देख सकते हैं मैनेज नोटिफिकेशन, तो आपको मैनेज नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना है। तो मैनेज नोटिफिकेशन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको देख लेना है कि अगर आपकी नोटिफिकेशन बंद है तो आपको उसको ऑन कर देना है, क्योंकि दोस्तों अगर आपकी नोटिफिकेशन बंद रहती है, ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम आती है। उसके बाद दोस्तों नीचे आपको देखना है कि अगर आपके दोनों ऑप्शन अनटिक है तो आपको उनको टिक कर देना है। तो मेरे अभी अनटिक है, मैं इनको यहाँ पर टिक कर देता हूँ। टिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा बैड्स का, तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं बैड्स, और यहाँ पर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों आपको देखना है कि अगर आपका नीचे वाला क्लिक है, यानी आपका डोंट नो सो अगर क्लिक है तो आपको ऊपर वाला क्लिक करना है, डोंट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा डोंट ही क्लिक है, और दोस्तों मैं यहाँ पर डोंट ही क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको देख लेना है कि अगर आपका नीचे वाला क्लिक है तो आपको ऊपर वाला क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये सेटिंग हो चुकी है, और अब आपको यहाँ से बैक आना है। तो यहाँ से बैक आते हैं। बैक आने के बाद दोस्तों अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि आपको परमिशन का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो आपको परमिशन पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर परमिशन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको फ़ोन वाला ऑप्शन मिलेगा, तो आपको देखना है कि अगर आपकी फ़ोन की परमिशन अलाउ है तो ठीक है, अगर अलाउ नहीं है तो आपको अलाउ कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं डोंट अलाउ, तो मेरे फ़ोन की जो परमिशन है वो डोंट अलाउ है, और मैं यहाँ पर इसको अलाउ कर देता हूँ। दोस्तों अलाउ करने के बाद अब आपको यहाँ से बैक आना है, क्योंकि दोस्तों अब हमारी जो प्रॉब्लम है 100% सॉल्व हो जाएगी। अब दोस्तों आपके पास कोई भी कॉल करेगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल की होम स्क्रीन पर आपको शो हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।